जिस तरह अल्लाह ताला ने औरतों के हकूक के बारे में वाज़े हुक्म फरमाया, रसूल पाक ने अपने उम्मतियों को समझाया, इसी तरह अल्लाह का पाक कलाम ये गवाही देता है कि अल्लाह ताला ने मर्दों के भी हकूक रखे हैं। सबसे पहला हक औरत पर, अल्लाह ताला ने मर्द को ये हक दिया है कि उसकी बीवी अपने आप को शोहर के लिए आरास्ता करे, पैरास्ता करे, अपने आप को संवारे ताकि शोहर को अच्छी लगे। लेकिन ये बात जहन शीन कर लें, अगर ये औरत अपने शोहर के लिए अपने आप को आरास्ता करती है, संवारती है और शोहर इससे खुश होता है, अल्लाह ताला इसको इसका अजर देगा। लेकिन अगर इस औरत ने अपने आप को गैर मर्द के लिए संवारा, गैर मर्द के लिए आरास्ता किया, तो ये औरत अपने शोहर की खायन है, इसने खयानत की है। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने फक्त अपनी आंखों में गैर के लिए सुरमा लगाया, रब के महबूब फरमाते हैं अल्लाह ताला इसका मुंह काला कर देगा, इसकी कब्र को जहन्नम का गढ़ा बना देगा। रसूल पाक फरमाते हैं, जब मैं मेराज पर गया, मैंने कुछ औरतों को देखा, पस्तानों से बांध कर उन्हें लटका रखा है, नीचे से आग जलाई जाती है, जिस आग की हिद्दत से उसका दिमाग इस तरह उबलता है जिस तरह देगची में पानी उबलता है। मैंने पूछा, इस औरत को, इन औरतों को ये सजा क्यों दी जाती है? रसूल पाक फरमाते, जवाब दिया गया, ए खुदा के रसूल, अल्लाह के महबूब, ये अपने आप को गैर मर्दों के सामने, ना महरम मर्दों के सामने आरास्ता करके अपने आप को पेश करती थी, इस वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें इन अजाबों में मुब्तला फरमाया।